नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डालें। उससे पहले जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान की उंगली यहाँ पर सही तरीके से खड़ी हुई है, यानी अच्छी खासी बुद्धि आपके पास है। ज्ञान की किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। टावर भी यहाँ पर अनुकूल है और ऐसा कह सकते हैं कि दूसरों को भी सलाह सही देते हैं और अपने ज्ञान आपकी याददाश्त आपके जीवन में आजीवन बनी रहेगी। तो बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, करीने से चीज़ों को सजा करके भी रखते हैं, इस प्रकार की उंगली आपके पास यहाँ मौजूद है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी सीधे सीधा आपकी दूसरी उंगली की। ये है सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली एकदम चुपक करके यहाँ सीधी सीधी, सूर्य की उंगली एकदम कहीं सीधी जा करके आपकी चल रही है। आत्मा से अच्छे हैं, माता पिता की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, भाई बहनों को साथ लेकर के चलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर के ऊंचाइयाँ आपके जीवन में आप अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर जा करके आपके सीधी शनि की उंगली की। शनि की उंगली भी यहाँ अनुकूलता के साथ में है, यानी सीधी है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, माँ दशा जब जब आपके जीवन में आएंगी आपको किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस बात को दर्शाती हुई आपकी शनि की उंगली भी है। अच्छा स्वास्थ्य के भी इंडिकेशन इसमें मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की, बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर भी ये पूरी तरीके से स्वस्थता के साथ खड़ी हुई है, एकदम शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई। ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, ये यहाँ पर आपकी उंगली पूरी तरीके से मौजूद है। बड़ों का सम्मान भी आप करते हैं यहाँ पर और छोटे बड़ों को गले लगा करके आप चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके सीधे सीधे बुद्ध पर्वत की, बुद्ध का पर्वत। और बुद्ध पर्वत पर यहाँ कोई बेहतरीन रेखा नहीं मिली मुझे, जिन रेखाओं के अनुसार ये जाना जाता है कि व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत जो सफलता के लिए एक बहुत शार्प बुद्धि वाली रेखाएं हैं वो यहाँ नहीं है। साथ ही साथ संतान सुख में देरी को भी दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद, मतलब पर्वत बता रहा है। अब बात कर लेता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व बहुत ही अनुकूलता के साथ में है। निश्चित रूप से अगर आप अपने जीवन में कोशिश करते, प्रयास करते तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग भी यहाँ हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार से लाभ, साथ ही साथ उन्नति प्रगति की रेखा और सम्मान बना रहेगा आपके क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में। ये आप पर दिखाने वाला आपका सूर्य पर्वत अनुकूलता के साथ में है। आइए बात कर लेते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर जब इस प्रकार की रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में जीवन के अंत समय तक व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। यहाँ पर दिखलाने वाला आपका ये शनि का पर्व भी है। अब चलते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व पर। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व से निकलने वाली का सम पर्वत बृहस्पति आपका यहाँ पर, और यहाँ से निकलने वाली रेखाएँ संपत्ति भी दिखलाती हैं, पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, साथ ही साथ अपने आप के बल से भी व्यक्ति अपना मकान बना सकता है। इस प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के अभी तक कहीं भी ऐसा चिन्ह नहीं आया जो ये दिखलाता हो कि आपके वैवाहिक विच्छेद क्यों हुए। अब बात करते हैं क्या कहाँ कहाँ से पता है। देखिए सबसे पहले आपने विवाह रेखा को देखी, ये ढलवा है विवाह रेखा, और उसके बाद बहुत सारी खड़ी रेखाओं ने आपकी विवाह रेखा को काटा है। एक तो ये बात मिली है जो तलाक का कारण बनी होगी। दूसरा, यहाँ आपकी ये रेखा और इसमें यहाँ पर स्पॉट से मिटा दो आप। दूसरा हाथों दिखाने एक बार, दूसरा यहाँ पर हल्का सा, एक हल्का सा यहाँ पर दीप बना है। एक ये दूसरा कारण ये बना, और तीसरा कारण और बताता हूँ आपको, उसी चित्र में दिखाई देगा। एक और एक दो, यहाँ कुल मिलाकर के आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इस योग को भोगना था। आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं है जिसकी वजह से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। दो छोटे छोटे एक्स जो हैं यहाँ भी बने हैं इन रेखाओं के नीचे, और एक ये सूर्य पर्वत पर जो एक्स बना है ये भी इसी बात को बताता, एक छोटा एक्स यहाँ बना है।
तो ये जो चिन्ह हैं ये बताते हैं तलाक के चिन्ह। तो ये यहाँ पर बने हुए चिन्ह आपके तलाक के कारण बने। तो हृदय रेखा को देखता हूँ तो हृदय रेखा अपने आप में आपकी स्पष्ट है, कोई रोग के अभी चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं, आप मन से कर्म से भी बहुत अच्छे हैं। अब बात करूँगा आपके मंगल पद की। यहाँ मंगल का पर्व और मंगल के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये साहसिक रेखाएँ भी यानी कर्म करने की आपकी इच्छा को भी दर्शाती है। नपुंसक व्यक्ति नहीं है, कर्म करने वाला व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के ये मंगल रेखाएँ भी आपके हाथ के अंदर मौजूद मिली। जब इस प्रकार की रेखाएँ मिलती हैं तो वो भी व्यक्ति के अंदर एनर्जिक रेखाओं के रूप में जानी जाती है, यानी एनर्जी व्यक्ति के अंदर भरने वाली रेखाएँ भी हैं मौजूद। अब बात करता हूँ आपके मंगल पद की। मंगल द्वितीय एक के कारण निकली है। मंगल द्वितीय पर जब जब मंगल द्वितीय पर से इस तरह की रेखाएँ निकलती हैं तो व्यक्ति को मुकदमों का सामना करना पड़ता है, झगड़े झंझटों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की रेखाओं को दर्शाने वाली ये रेखा है। इसमें कोई ज़्यादा काट फाट नहीं मिली, वरना आपको इसमें मुकदमों में हार का सामना मिलता, तलाक भी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थितियों को भी दर्शाने वाला ये यहाँ पर आपका पर्व है। चलिए अब आगे चलते हैं, चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत यहाँ देखते हैं तो कुल मिलाकर के ये इनके चरिशाई हैं, कह दो चंद्र पर्वत है। यहाँ पूरा चंद्र पर्वत देखता हूँ तो चंद्र पर्वत यहाँ पर स्पष्ट सा के साथ में मौजूद है। यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएँ हैं, ये रेखाएँ छोटी बड़ी यात्राओं के लिए जानी जाती हैं। कुल मिलाकर के कोई विदेश यात्रा नहीं है, किसी प्रकार का दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाने वाले संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर चंद्र पर्वत यहाँ पर अनुकूलता के साथ में आपका दिखलाई पड़ता है। अब बात करेंगे हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से निकल करके भाग्य रेखा एक रूपता के साथ में लगातार चली गई, यानी एक ही जॉब के अंदर आप निरंतर रूप से पूरा का पूरा जीवन बिताएंगे, इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा तो आपकी सही है, यानी धन के आगमन तो आपको निरंतरता से बने रहेंगे, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए आपकी ये भी हो गई। आपकी इस समय जो आयु है वो 41 वर्ष की है, 41 वर्ष की आयु। और यहाँ पर यदि मैं इस रेखा के अंदर देखता हूँ आपके आयु रेखा के अंदर, तो लगभग लगभग ये एक चिन्ह यहाँ से निकल करके आपको भाग्य रेखा के अंदर जुड़ा है। जब जब भाग्य रेखा के साथ इस तरह का चिन्ह मिलता है, ज़रा और हाथ को पकड़िए, थोड़ा सा और पकड़िए ऊपर, हाँ ये जो यहाँ पर जो यहाँ से निकल रहा है, यानी ये एक इस प्रकार की रेखा है जो ये बता रही है कि 50वें वर्ष में कोई आपको विशेष रूप से कोई खुशी का आपको एक ऑफर मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा अवसर आएगा, उस बात को दर्शाने वाले ये चिन्ह रेखा वहाँ से निकली। अब बात करूँगा आपके सीधा सीधा मैं शुक्र पर्व की। यहाँ शुक्र पर्व और शुक्र पर्व को यदि देखता हूँ तो शुक्र यहाँ पर अपने आप में कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, संसाधन आपके पास में बने हुए हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपका अनुकूल शुक्र पर्व है, यानी सब ठीक ठाक संसाधन आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं, इस बात को दर्शाने वाला ये चिन्ह है। अब बात करेंगे इसके बाद हम सीधे सीधा, अगर आप ये देखें तो आपकी आयु रेखा को देख लेता हूँ, फिर सवाल लेता हूँ आपका। आपकी आयु रेखा देखिए, ये आयु रेखा हाथ के अंदर जाकर के लगभग लगभग 73-74 वर्ष तक पहुँच गई है, आगे भी आयु रेखा बनती रहती है, तो इसलिए कोई ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी आयु रेखा है, छोटे छोटे एक्स के चिन्ह आपके यहाँ नीचे पर्वत पर बने हुए हैं। तो ये शुक्र में साधनों में जब ये एक्स के चिन्ह बन जाते हैं, इधर भी छोटे छोटे एक्स के चिन्ह बन जाते हैं, तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानियों के लिए जाने जाते हैं। चलिए तो ये सब मैंने आपके हाथ की रेखाओं के द्वारा आपको बताया, सवाल ले लेते हैं। 2010 में शादी हुई, ब्रेकअप हो गया, बुरे ख्याल आते हैं, खर्च रहता है, तो ये सब बातें आपकी मैं बता देता हूँ कब रहता है। प्रमोशन की बात करी थी तो मैंने वो प्रमोशन जो मुझे नज़र आया था वो मुझे लगभग लगभग नज़र आ रहा है आपके हाथ में 48 से 50वें वर्ष में, तो वो प्रमोशन का तो 48 से 50वें वर्ष में। जहाँ तक आपने कहा बुरे ख्याल आने का सवाल है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता दूँगा, तो आप चिंता ना करें, आपके बुरे ख्याल उससे दूर हो जाएंगे। आपने कहा शादी कब होगी, निश्चित रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ कि शादी अगर आपको अब दूसरी करनी है तो आपके जीवन में जो वैवाहिक पत्नी आने वाली है उन चिन्हों को मैं बता नहीं सकता, ये लोग मेरे द्वारा सीख जाते हैं दूसरे लोग, तो आप इसके लिए किसी विधवा औरत के द्वारा आपका विवाह होगा, या जो दुहेजा औरत होगी उसके द्वारा, या किसी संस्था में जाकर के आपको विवाह
के संकेत यहाँ पर हाथ के अंदर नज़र आते हैं। तो ये विवाह आप अपनी तरफ से जितनी जल्दी पहल करेंगे उतनी जल्दी विवाह के संकेत बहुत जल्दी से जल्दी होने के संकेत आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। फैमिली रिलेशन वो तो आपके शुरू में बता ही दिया मैंने कि वो अच्छे नहीं हैं। तो ऊपर दिखाने देना सनीपाल, नहीं फनी फैमिली रिलेशन आपके सही है, वो तो ऊपर रेखा इधर जुड़ गई ना, हाँ वो तो सही है, उसकी चिंता ना करें, पारिवारिक रिश्ते आपके सही बने रहेंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ मानसिक शांति के लिए आप करें क्या करें। मानसिक शांति के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर नहीं है। आप बस मानसिक शांति के लिए आप सीधा सीधा भगवान शिव की पूजा जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं वो भगवान शिव की पूजा करिए, साथ ही साथ गायत्री मंत्र की माला का एक माला का जाप, गायत्री मंत्र की माला का एक का जाप आप नित्य करते रहें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा विवाह जल्दी से जल्दी हो तो इसके लिए मैं एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र की माला का आप जाप कीजिए। दुर्गा सप्तशती के अंदर एक मंत्र है, सप्तशती में लास्ट में जाकर के एक विवाह मंत्र है, तो उस विवाह मंत्र की माला का जाप नित्य करिए। 1,25,000 जितनी जल्दी जप लेंगे उतनी जल्दी विवाह हो जाएगा। मंत्र है, पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणम तारिणी तारिणी संसार सागरस्य कुलदेवेभ्याम। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणम तारिणी संसार सागरस्य कुलदेवेभ्याम। तो ये मंत्र है, इसका जाप करें और अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। एक पुखराज और पहन लीजिए। नमस्कार।